करें ट्रेडिशनल अप्रोच पे, हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ऐसे दो कौन से कीवर्ड हैं, ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं, ऐसे कौन से दो पार्ट हैं जो बड़े प्रीशियस हैं। बेटे आप बताओ, परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश, मैंने मशीनरी खरीदी कैश में, तो मुझे तो दो वर्ड बड़े प्रीशियस दिख रहे हैं, आपको भी दिमाग में आ चुके होंगे। बेटे हाँ बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हो, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आपकी मुंह की बात मैं बोल देता हूँ। एक आपने सोचा कि मशीनरी, एक मशीनरी सोचा आपने कि एक मशीनरी कीवर्ड है, और दूसरा आपने सोचा कैश, कैश कीवर्ड है। बेटे दो कीवर्ड है, एक मशीनरी और दूसरा कैश, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब सवाल आता है कि मशीनरी या कैश, ये जो दो कीवर्ड है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर, या क्या ये रियल अकाउंट के अंदर, या क्या ये पर्सनल अकाउंट के अंदर, किस अकाउंट में आएंगे। बेटे आपको पता है मशीनरी एक थिंग है, एक वस्तु है, निर्जीव है, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। बेटे ये थिंग है, थिंग भी हम इसको खरीद सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं, किसी भी चीज को टच कर सकते हैं। तो बेटे वो थिंग ही तो है, इसका मतलब मशीनरी इज अ थिंग, कैश इज ऑल्सो अ थिंग, आई कैन टच कैश, कैश इज माय थिंग। सो ऑल द थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हम उसको रियल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लिखें, परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश रुपीज 1 लाख, मैंने हरे लाइन में लिखा। बेटे देखो कितना प्यार है मुझे आपसे, मैंने लिखा मशीन इज वस्तु, मशीन इज अ थिंग, बिकॉज वी कैन टच मशीन, सो रियल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल, सो रियल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि बेटा जब थिंग होती है तो हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, ना तो नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, ना पर्सनल का अप्लाई करेंगे, वी विल ओनली अप्लाई रियल अकाउंट रूल। और रियल अकाउंट रूल क्या कहता है, क्या कहता है बेटे, बेटे बेटे आप ये बताओ, मशीनरी जब मैं खरीदूंगा तो मशीनरी आएगी या बिजनेस से जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जब मशीनरी खरीद रहा हूं तो बेटे मशीनरी तो आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो बेटे मैं मशीनरी को डेबिट करूंगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, या ऐसा समझ लीजिए डेबिट दैट थिंग, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, व्हाट की जगह लिखा थिंग, डेबिट द थिंग व्हिच इज कमिंग इन द बिजनेस, क्रेडिट द थिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बेटे क्योंकि रियल अकाउंट में होती थिंग्स है, तो मैंने व्हाट की जगह थिंग्स लिख दिया, और आसान बना दिया आपके लिए। आपने जो अभी रूल लिखा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, व्हाट की जगह लिख दो थिंग, क्योंकि थिंग्स ही आती है। So debit the thing which is coming in the business, credit the thing which is going out of the business. तो यहाँ देखिए, real account rule will be applicable. Machine आ रही है, cash जा रहा है। बेटे machine आ रही है, cash जा रहा है। Machine आ रही है, उसका स्वागत कीजिए बेटे, वो thing है। अब क्योंकि ये thing है तो real account चलेगा। Real account क्या कहता है? Debit what comes in. और कैश जा रहा है, कैश भी थिंग है, तो कैश रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटे जब मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊंगा तो मैं पता क्या लिखूंगा, मशीनरी को मैं डेबिट कर दूंगा और कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अभी हम देखेंगे, पहले यहां तक लिख लिया जी, मशीन एंड कैश बोथ आर थिंग्स, बेटे निर्जीव है, एंड एज पर रियल अकाउंट रूल मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। और फिर मैं आ गया जी नीचे एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल एक और दे रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपको देखो समझ आए। परचेज की जगह मैं यहां पर पता क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं सेल, मैं तो रब कर रहा हूं बेटे, मैं रब कर रहा हूं सेल। ऐसे क्लास लेते लेते मुझे लगा कि मैं सेल का एग्जांपल दूं, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर एंड कैश रिसीट, मैं यहां लिख रहा हूं जी सेल ऑफ फर्नीचर एंड कैश
received. Sale of furniture and cash received ₹50,000. मैंने फर्नीचर बेचा और मुझे 50,000 रुपए का कैश मिला. मैंने फर्नीचर बेचा और मुझे 50,000 का कैश मिला. बेटे बिल्कुल ऑपोजिट है जो अभी मशीनरी की बात की. मैंने बिगिनिंग में मशीनरी खरीदी और मैंने कैश पे किया, लेकिन यहां मैंने फर्नीचर बेचा और मुझे कैश मिला. तो बेटे ऐसे कौन से दो कीवर्ड्स हैं, ऐसे कौन से दो चाचा चौधरी फैंटम है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिनका आप प्रयोग करेंगे, जिनको आप यूज करेंगे और जिनको डेबिट या क्रेडिट करेंगे एज पर योर रूल्स. तो सबसे पहले तो हमें कीवर्ड निकालने हैं बेटे. एक कीवर्ड है फर्नीचर और दूसरा कीवर्ड है कैश. इसका मतलब जो भी कुछ करेंगे हम फर्नीचर कैश के साथ करेंगे. इसका मतलब या डेबिट या क्रेडिट जो भी करेंगे या जो भी रूल चलेगा बेटे फर्नीचर कैश के साथ ही होगा. दूसरी बात, जब हमने कीवर्ड्स निकाल लिए तो अब ये देखना है कि ये कौन से अकाउंट में आते हैं. एक बच्चा कहता है सर मुझे पता है रियल अकाउंट में आएंगे. मैंने उससे पूछा तुझे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया. वो कहता है आपने समझाया रियल अकाउंट है अभी. इसका मतलब एग्जांपल में तो रियल अकाउंट के दो गए. उसके कान पे थप्पड़ मारा मैंने. मैंने कहा उसके अलावा भी तो पता चल सकता था कि ये थिंग्स हैं बेटे. फर्नीचर कैन बी टच, वी कैन टच बेटे. निर्जीव है, हम उसको देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं. इसलिए फर्नीचर इज अ थिंग. कैश, कैश को भी टच कर सकते हैं बेटे. कैश भी निर्जीव है बेटे. ये बोलना था उस बच्चे को कि इस वजह से मुझे पता चला कि ये थिंग्स हैं और अगर थिंग्स हैं तो रियल अकाउंट चलेगा बेटे. रियल अकाउंट चलेगा तो मैंने तीन बातें बताई. पहले ट्रांजैक्शन देखनी है, कीवर्ड्स देखने हैं, फिर देखना है वो थिंग्स हैं, एक्सपेंसेस हैं या क्या है, कौन सा अकाउंट चलेगा. और जब हमें पता चल गया कि इस अकाउंट में आएंगे तो बेटे उस अकाउंट का रूल क्या रूल है बेटे आप बताओ. डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है. डेबिट की जगह हम लिख रहे हैं डेबिट द थिंग व्हिच इज कमिंग इन द बिजनेस, क्रेडिट द थिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. देखो मैंने नई टेक्निक बना दी है, ट्रेडिशनल रूल ही फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमने उस रूल को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आए. आपको वहीं से पता चल जाए कि थिंग सारी रियल अकाउंट में आती है. तो बेटे यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, कैश थिंग है, कैश को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर इज अ थिंग, फर्नीचर भी रियल अकाउंट की आइटम है, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे. तो बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. आपके सामने बेटे मैंने मैंने इसको लिख भी दिया नॉमिनल. मैंने भूपेश आनंद, मैं आपके सामने खड़ा हूँ बेटे, इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. मैंने भले लिखा नहीं है लेकिन एक बात सिंपल सी आ रही है बेटे. एक तो फर्नीचर है और दूसरा बेटे कैश है बेटे. फर्नीचर, फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट में आ रहे हैं बेटे. ऐसा जरूरी है कि दोनों आइटम रियल अकाउंट की हो, मिक्सचर भी हो सकता है. एक रियल अकाउंट की हो सकती है, दूसरी पर्सनल की हो सकती है. एक पर्सनल की हो सकती है, दूसरी नॉमिनल की हो सकती है. इसका मतलब हम दो रूल्स को मिक्स करके भी जनरल एंट्री बना सकते. तो देखिए जी रियल अकाउंट ये, रियल अकाउंट में फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है, जा रहा है, हाँ जा रहा है. कैश आ रहा है एज पर रियल अकाउंट, एज पर रियल अकाउंट रूल. हम क्या करते हैं बेटे, डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इन द बिजनेस बेटे. एज पर रियल अकाउंट डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इज द बिजनेस एंड क्रेडिट द थिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. हम उसको क्रेडिट कर देते हैं जो हमारे बिजनेस से जा रहा है. तो फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है. एक बच्चा कहता सर खा गया मास्टर, समझ आ गया, आगे चल. ठीक है सर, ठीक है बेटे आगे चलते हैं. बेटे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल में हम तीन रूल्स को, तीन अकाउंट्स को देखेंगे. पहला अकाउंट है रियल, दूसरा है नॉमिनल, तीसरा है पर्सनल. तीन तरह के अकाउंट्स हैं और उनकी कैटेगरीज हैं. जैसे रियल में हम सारे थिंग्स को लेते हैं बेटे. नॉमिनल अकाउंट, आपको पता है आप एक बिजनेस चलाते हो और बेटे उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस एक्टिविटीज को करने के लिए हमें बड़ी सारी सर्विसेज लेनी पड़ती है. जैसे अपोलो टायर्स का एग्जाम्पल दिया, आपको क्या लगता है खाली मशीनरी से काम चल जाएगा, अपोलो टायर्स के टायर बनने शुरू हो जाएंगे?
नहीं बेटे, हमें वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उनको वेजेस देनी पड़ेंगी, हमें आप जैसे अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, आपको सैलरी देनी पड़ेगी, मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, फिर बेटे उसके बाद ऑफिस अगर हमारा अपना नहीं है तो ऑफिस को रेंट दिया, ऑफिस के लिए रेंट पे किया, बेटे इसका मतलब हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को चलाते हैं तो हमें अलग 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 प्रकार के बड़ी सारी सर्विसेस सेवाएं लेनी पड़ती हैं, हम तभी काम कर सकते हैं। वो बेटे जितनी भी सेवाएं हैं आपको मैं बता दूं बेटे, सारी की सारी सेवाएं नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। ऑल सर्विसेस, ऑल सेवाएं विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बेटे इसके साथ साथ लॉस हो गया, जो हम पहली अप्रोच में बोलते थे बैड लक हो गया, बेटे आग लग गई, भगवान ना करे किसी की फैक्ट्री में आग लगे, भगवान ना करे कोई नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कोई चोरी हो जाए, बट फिर भी बेटे एज ए अकाउंटेंट हमें उन सिचुएशन को समझना तो है कि भाई अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट बेटे प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट मतलब आपको कोई मोबाइल मिल गया, आपको कोई बेनिफिट हो गया, आपका सामान बिक गया, और मतलब आपको कोई प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया, तो बेटे जो भी मुनाफा जो भी नुकसान, और बेटे जितनी भी सेवाएं हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में आता है। बेटे रियल अकाउंट में थिंग्स आती है, नॉमिनल अकाउंट में सेवाएं आएंगी, लॉसेस आएंगे, प्रॉफिट आएंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं पहले आप लिखने में और एक्सप्लेन करूंगा, बेटे नॉमिनल अकाउंट रूल विल कवर सर्विसेस, सेवाएं, सारी सेवाएं एंड ऑल रीजंस कारण ड्यू टू विच प्रॉफिट एंड लॉस अकर्स। बेटे दो चीजें कवर की मैंने, वो सारे रीजंस, इसको मैं एरो को हटा दूं भाई आप कंफ्यूज हो जाएं कि बेटे कि क्या किया, बेटे दो ही मैंने आपके सामने प्रिपेयर किए हैं। एक है बेटे सर्विसेस, वो एक है प्रॉफिट या लॉस अगर हुआ है तो उसके पीछे प्रॉफिट और लॉस के पीछे क्या रीजन रही, क्या कारण रहा, उन चीजों को और सेवाओं को हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे आराम से। बेटा मैं रुपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, अपनी होश में खड़ा हूं और मैं ये कह रहा हूं नॉमिनल अकाउंट रूल विल कवर, नॉमिनल अकाउंट रूल विल कवर सर्विसेस, लिखनी है बेटे, बेटे लिखनी है। बेटे रियल में तो थिंग्स थी, नॉमिनल में सर्विसेज हैं और प्रॉफिट और लॉस जिस कारण से हुआ वो सारे कारण है, ठीक है जी। तो आप इसका रूल भी लिख ले बेटे, एग्जाम्पल में मैंने लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अपोलो टायर्स, मैंने कहा जी अपोलो टायर्स को मशीनरी खरीद ली, खाली मशीनरी से थोड़ी कुछ हो जाएगा, उसको बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज, बाकी बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी तभी धंधा चलेगा। तो लिखा जी फॉर रनिंग अ बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस वी हैव टू टेक द सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। और बेटा सर्विसेज कोई फ्री में आती है क्या, कोई आपके यहाँ मजदूरी फ्री में कर लेगा क्या, उसकी बीवी बच्चे नहीं है क्या, उसके अरमान नहीं है क्या, उसका घूमने का मन नहीं करता क्या, उसको रोटी नहीं चाहिए, बेटे कोई फ्री में नहीं करेगा, आपको उसके बदले में कॉस्ट देनी पड़ेगी, डबल इफेक्ट, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो बेटे जब आप उसके लिए पे करोगे तो बेटे कैश ही तो जाएगा, आइए आइए देखेंगे बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, जान के मैंने पेड पेड को लाल रंग से लिखा है बेटे, सैलरीज पेड आप सब लिखेंगे, वेजेस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बेटे जितनी भी सेवाएं, जो भी सेवाएं आप ले रहे हो या आप दे रहे हो, ऑल सर्विसेज, वेदर यू आर बाइंग दोज सर्विसेज और यू आर गिविंग दोज सर्विसेज, इसका मतलब आप अगर आपने किसी को अपना घर दिया और उससे रेंट लिया तो रेंट रिसीव्ड हो जाएगा, आपने दलाली की सर्विसेज दी तो कमीशन रिसीव्ड हो जाएगी, आपने किसी को पैसे उधार में दिए तो सूद मिलेगा आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। तो बेटे जितनी भी सेवाएं आप ले रहे हो या दे रहे हो और जो भी प्रॉफिट और लॉस है बेटे, ये दो चीजें हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में कवर करेंगे। अगर हमें ये क्लियर हो जाएगा तो हम नीचे आराम से इसका रूल समझ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, बेटे ये जो सेवाएं हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखी सैलरी वेजेस, बेटे ये सेवाएं तो हैं, ये एक्सपेंसेस तो हैं,
हम क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमने इनसे सेवाएं ली है, हमने इनसे सेवाएं ली है, तो ये एक्सपेंसेस तो हैं। तो मैंने क्या लिखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और उसको ऑपोजिट मैंने कहा ना कि ट्रेडिशनल अकाउंट में दो रूल्स होंगे, एक रूल होगा डेबिट को बताएगा, एक रूल होगा जो क्रेडिट को बताएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। बेटे जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी गेन्स हैं या जो भी इनकम्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। बेटे प्लीज ऐसा ही रेक्टेंगल बनाओ और ये पूरा रूल लिखो, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। आराम से बेटे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, मैं आराम से आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। मैंने कहा आप इनके एग्जांपल्स के लिए टेबल बनाओ, मैंने टेबल भी समझाया। बेटे वही चीज एक्सपेंस भी हो सकती है, वही चीज इनकम भी हो सकती है, सेवाएं हैं, सेवाएं ले भी सकते हैं, सेवाएं दे भी सकते हैं। तो बेटे अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड वाले साइड में लिखो एक्सपेंसेस लॉसेस, राइट हैंड साइड वाले में लिखो, राइट हैंड साइड वाले में लिखो इनकम्स गेन्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस, यहां लिखो इनकम्स गेन्स, इनकम्स गेन्स। तो बेटे एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या क्या होगा, जैसे सैलरी नॉर्मली वी पे कैश, जैसे मैंने लिखा एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, अब लॉस में कोई हम कैश नहीं देते, वो तो नुकसान ही हो गया, फायर लग गई। जनरली मैंने कहा जो एक्सपेंसेस होते हैं हम कैश पे करते हैं, जैसे रेंट पेड, फीस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड। अब अगर आप क्रेडिट साइड में देखो तो मैंने लिखा इनकम्स और गेन्स, फिर लिखा नॉर्मली कैश इज रिसीव, नॉर्मली कैश रिसीव होता है इनकम्स में, प्रॉफिट में नहीं कह रहा, इनकम्स में, इसलिए लिखा मैंने नॉर्मली। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, फीस रिसीव, तो बेटे ऑल इंटरेस्ट रिसीव, तो ये इनकम्स है। तो जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो एक्सपेंस के रूप में आ रही है या इनकम के रूप में आ रही है, चाहे हमने उनको पे किया है या हमने उनको रिसीव किया है, बेटे जितनी भी सर्विसेज हैं और जो भी लॉस और प्रॉफिट है उसके जितने भी कारण हैं, हम उनको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। आराम से बेटे देख लो जी, मैंने यहां तक लिखा है। बेटे आप मेरे हो ना तो सारा लिखोगे, मैं फिर बता रहा हूं आप सब कुछ लिखोगे तभी फायदा है। आओ जी, मैं भूपेश आनंद एग्जाम्पल देने के लिए बिल्कुल सक्षम हूं। सक्षम का मतलब क्या है, सहज का मतलब क्या है, तैयार हूं। आप भी सक्षम है, आप बिल्कुल तैयार हो जाएं मेरे एग्जाम्पल्स को सुनने के लिए। बड़े प्यारे प्यारे से नॉर्मल रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दूंगा, रोजमर्रा की जिंदगी के दूंगा, और बेटे आपको आराम से समझ आएंगे। बेटे आपका बड़ा भैया एक कंपनी HCL कंप्यूटर्स बनाती है, HCL में एज ए अकाउंटेंट लगा हुआ है। बेटे आपका बड़ा भैया एज ए अकाउंटेंट लगा है, तो HCL कंप्यूटर्स वाले आपके बड़े भैया को सैलरी देते हैं, आपके बड़े भैया को सैलरी मिलती है। और मैं आप कह रहा हूं अकाउंटेंट, अगर आप HCL के पॉइंट से देखें तो HCL आपके बड़े भैया से सर्विसेज ले रही है, HCL आपके बड़े भैया से सर्विसेज ले रही है, तो उसके बदले में HCL को क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैंने पहला एग्जांपल लिखा सैलरी पेड, HCL ने आपसे के बड़े भैया से सेवाएं ली। अब एक बच्चा कहता बड़े भैया क्या हमारे में बोल रहे हो, किसी ने भी ले सकते बेटे, सेवाएं ली और आपने उसके बदले में कैश दिया। तो पहला एग्जाम्पल है बेटे सैलरी पेड, सैलरी पेड एक्सपेंस है, बेटा सेवा ली, सेवा ली बेटे, एक्चुअली में हमने सेवा तो ली लेकिन हमने इसके बदले में कैश दिया, कैश दिया, हिडन तो कैश है ये बताया हुआ मैंने आपको। तो बेटे आपने सेवाएं ली, एक्सपेंस इनकर किया, कैश लिया, तो यहां देखिए सैलरी पेड एक्सपेंस, सेवा ली, कैश पेड, नॉमिनल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि सैलरी एक सेवा है, चाहे सेवा ली हो या सेवा दी हो, whether you have away the services or whether you have given the services, it hardly matters because it is a service
because it is a service. So that will be covered under the head nominal account. And in reality, I have paid cash for that. So in salary paid, you know, there are two keywords. The first keyword is salary and the second keyword is cash, because my cash is going out. My cash is going out and cash is a thing. Cash is a thing. If cash is a thing, then real account rule will be applicable. It means in this example, there will be a combination of two rules with the help of which I can pass journal entry. मैं ये कहती कि इस एग्जाम्पल में मैं दो रूल्स के मिक्सचर से अपना एंट्री बना सकती. क्यों? क्योंकि जो सैलरी होती वो नॉमिनल अकाउंट में आती, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगती. कैश जो होती वो थिंग होती, वो रियल अकाउंट में आती और उसमें रियल अकाउंट का रूल लगती, इसलिए मैं दोनों को रूल को मिक्स करती और अपनी एंट्री बनाती. आप लिखती, आप ढीला ना पड़ती, आप बिल्कुल लिखती. एग्जांपल लिखती, सैलरी पेड रुपीज 10,000, सैलरी पेड रुपीज 10,000, और बेटा दोनों लिखने हैं. रियल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल. कैश में देखिए रियल अकाउंट है और यहां देखिए सैलरी पेड में बेटा नॉमिनल अकाउंट है. तो दोनों लिखती, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. आपने सैलरी पे की, उसके बदले में कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, ये एक्सपेंस है, तो बेटे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. अगर आप रियल अकाउंट को देखें तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश में तो रियल अकाउंट लग रहा है, लेकिन अगर आप नॉमिनल अकाउंट को देखें, सैलरी 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 इज अ नॉमिनल अकाउंट आइटम. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सैलरी विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड. इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आइटम रियल अकाउंट की हो, दोनों कीवर्ड्स ही रियल अकाउंट की हो, या एक रियल का हो एक नॉमिनल का हो, या एक नॉमिनल का एक पर्सनल का हो, या दोनों पर्सनल हो या दोनों नॉमिनल हो. उसमें टेंशन नहीं लेनी. आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो कीवर्ड्स हैं. दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है कि उनकी कैटेगरी क्या है, कौन से अकाउंट में आ रही है. अभी तक तो दो अकाउंट बता दिए, एक रियल और एक नॉमिनल. अब लास्ट बताने जा रहा हूं पर्सनल. बेटे पर्सनल, अच्छा उससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. फीस रिसीव्ड, बेटे आपने जैसे मैंने आपको सर्विसेज दी, मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए, तो मैं कहता हूं फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड. मैंने आपसे फीस रिसीव की, मैंने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव किया, आपको सर्विसेज दी, आपको सर्विसेज दी. बेटे सर्विसेज एक्चुअली में नॉमिनल अकाउंट की आइटम है. मैंने सर्विसेज दी और मैंने कैश रिसीव किया, मैंने कैश रिसीव किया. फीस मेरी इनकम है, फीस मेरी इनकम है, तो बेटे इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगी, और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो बेटे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. तो बेटे फीस रिसीव्ड, सर्विसेज दी और मुझे जो इनकम मिली उसके लिए मैं लिखूंगा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. और यहां पर इस तरफ मैंने क्या किया, कैश रिसीव किया. कैश थिंग है, कैश रियल अकाउंट की आइटम है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं कैश को डेबिट कर रहा हूं, कैश को डेबिट कर रहा हूं. क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से फीस जो रिसीव्ड है उसमें क्रेडिट वाला रूल लगा रहा हूं. तो बेटा चेक करो, मैंने ऐसे लिखा है कैश रिसीव्ड थिंग है, आ रहा है. बेटा कितनी मेहनत की हुई, आप खुद सोचो, ये स्लाइड्स बनाई, फिर उसके बाद एरोस बनाए, जिससे कि आपको लॉजिकली बात समझ आनी शुरू हो जाए. बेटे इतना आराम से, इतने प्यार से, इतने एग्जांपल देकर, इस तरह की प्रेजेंटेशन से, आपके अपने टीचर या आपने कहीं से, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस तरह से कोई कराता भी होगा. ये खाली मेरा प्यार है और कुछ भी नहीं. कैश रिसीव्ड थिंग आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन द बिजनेस एज पर रियल अकाउंट रूल. बेटे इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो मुझे घर ही ले जाओ अपने, इतना कुछ तो बता रहा हूं. इसी तरह से यहां जो बेटे फीस रिसीव इनकम है, बेटे फीस इज द रीजन, इनकम हो रही है ना आपको, और फीस रीजन है, और फीस क्योंकि इनकम है, सर्विसेज दी, बेटे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा. बेटे क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सो नॉमिनल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल. आराम से
मैं लास्ट में आ गया जी बस। कैश विल बी डेबिटेड एज पर रियल अकाउंट, फीस रिसीव्ड इज द रीजन, फीस रिसीव्ड इज द रीजन, कारण ऑफ इनकम। सो विल बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, फीस रिसीव इज द रीजन इज द कारण ऑफ इनकम। बेटे इनकम होने का कारण को लिखते हैं इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। आइए आइए मैं भूपेश आनंद लास्ट ट्रेडिशनल रूल पे चल रहा हूं। मैंने कहा था एज पर ट्रेडिशनल रूल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक है रियल एक है नॉमिनल। बेटे वो तो कर लिए, अब हमारे पर्सन पर्सन रामलाल श्यामलाल मोहनलाल अपोलो टायर्स मैसेज राम ब्रदर्स मैसेज मोहनलाल ब्रदर्स। बेटे अब मैं किसी व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, किसी पर्सन की बात करूंगा। अब पर्सन कौन से, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल क्या, मैं नेचुरल हूं, आप नेचुरल हैं क्योंकि आप नेचर से आए, नेचुरल रूल है। बेटे आर्टिफिशियल वो जो नेचर ने नहीं बनाए, हमने और आपने मिलके बना दिया उसको, जैसे किसी कंपनी को बना दिया, पार्टनरशिप बना दिया, दुकान बना दी। बेटे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में दुकान इज अ सेपरेट पर्सन, फैक्ट्री इज अ सेपरेट पर्सन, याद है आपको। तो आज मैं पर्सनल अकाउंट कराने जा रहा हूं, तो बेटे लिखें पर्सनल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल व्हेन पर्सन इज बीइंग इन्वॉल्व, व्यक्ति कोई भी पर्सन। मैं तो कहता हूं इसमें दो पर्सन आ सकते हैं, एक एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन और ये हो गया नेचुरल पर्सन। बेटे आर्टिफिशियल क्या, जो नेचुरल ना हो, जिसमें जान ना हो, बट वो धंधा हो, अलग बिजनेस हो, अलग फैक्ट्री कर रहे हैं, अलग से दुकान खोली है, बेटे उसको हम बोलेंगे इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे किसी कंपनी का नाम अपोलो टायर्स, जैसे इंफोसिस, जैसे विप्रो, जैसे डाबर, जैसे फेविकोल, बेटे ये सब कौन है, अलग अलग, जैसे नेरोलैक पेंट्स, जैसे बर्जर पेंट्स, बेटे ये सब बिजनेस है। तो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दीज आर डिफरेंट पर्संस, और एक है नेचुरल पर्संस। तो इसका रूल क्या है बेटे, अब ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल, कुछ भी, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। इसका मतलब अगर कोई पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, चाहे नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो बेटे हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी बच्चा कहता है सर इसमें आएंगे क्या क्या, बेटे खाली मैंने कहा पर्संस के नाम आएंगे। जैसे आपने आपने उधार में कोई सामान बबली को बेचा, तो बबली एक पर्सन है, बबली एक फीमेल है, बबली पर्सन है, तो पर्सन का विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो लिखे जी डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। बेटे रूल लिख ले, इसको ऑपोजिट है, आप चेक करिए, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि डेबिट और क्रेडिट को अगर आप देखें तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट की है। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, अगर किसी ने बिजनेस से कुछ लिया है तो उसको डेबिट करेंगे, और बिजनेस को किसी ने कुछ दिया है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बाकी की बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा मैंने, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल। बेटे रामलाल हमारा कस्टमर भी हो सकता है, रामलाल को व्यक्ति भी हो सकता है, रामलाल को हमने उधार में लोन दिया था, उसने पैसे वापस कर दिए, वो किस रीजन से दिए अभी उस रीजन पे नहीं जा रहे, लेकिन आप ये बताइए कैश रिसीव, कैश और रामलाल दो कीवर्ड दिख रहे हैं आपको। बेटे रामलाल किसी व्यक्ति का नाम है, तो रामलाल का मतलब है जो व्यक्ति है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। जो कैश है, जो कैश है बेटे, कैश इज अ थिंग एंड दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, वो रियल अकाउंट में आएगा। तो बेटे आप मुझे बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एज पर रियल अकाउंट। बट मिस्टर रामलाल इज अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। बेटे आप बताओ रामलाल कुछ बिजनेस में दे रहा है या रामलाल बिजनेस से कुछ ले रहा है।
दे रहा है या ले रहा है? बेटे रामलाल दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। तो बेटे आराम से हम देखो, आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। मैंने इसको लिख दिया बड़े प्यार से। नाउ इन द अबाउट ट्रांजैक्शन टू एलिमेंट्स थिंग्स वस्तुएं आर इन्वॉल्व। एक तो बेटे कैश है और एक रामलाल है। प्यार से लिखो बेटे, बड़ी मेहनत से बनाया है। कैश थिंग है, थिंग रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप वहां देखें, रामलाल क्या वस्तु है? नहीं, ये वस्तु तो नहीं है। क्या सेवा है? नहीं, ये सर्विस भी नहीं है। क्योंकि अगर ये वस्तु होती तो रियल अकाउंट में आती, और अगर ये सर्विस होती तो नॉमिनल अकाउंट में आती। ना तो ये वस्तु है, ना सेवा है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, नेचुरल पर्सन का नाम है। रामलाल एक नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल भी नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों पर्सनल अकाउंट में आते हैं, लेकिन ये नेचुरल पर्सन का नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। और जब पर्सनल अकाउंट में आएगा तो उसका रूल लगाएंगे। क्या 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 रूल है? डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। रामलाल कुछ दे रहा है बिजनेस में, इसलिए हम रामलाल को क्रेडिट करेंगे। आराम से देखेंगे, कैश रियल अकाउंट में, रामलाल पर्सनल अकाउंट में। कैश विल बी डेबिटेड, रामलाल विल बी क्रेडिटेड। कैश को डेबिट करेंगे, रामलाल को क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल देखिए जी, गुड सोल्ड टू बबली। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आपने गुड्स बेचा बबली को। गुड्स थिंग्स है, थिंग्स है, थिंग्स रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जब आप गुड्स बेचोगे तो गुड्स जा ही तो रही है, इसलिए आप गुड्स को क्रेडिट करोगे या सेल्स को क्रेडिट करोगे। वो आप समझ रहे हो क्यों मैंने सेल्स बोला। लेकिन जब आपने बेची तो बबली को, बबली ने रिसीव की और बबली ने कैश में उधार भी ली, तो बेटे बबली हमारे से गुड्स ले रही है। बबली पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगी। बबली नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? बबली कुछ बिजनेस को दे रही है या बबली कुछ ले रही है? बबली कुछ दे रही है या बबली कुछ ले रही है? बेटे बबली ले रही है, गुड्स ले रही है। डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। तो मैं बबली को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्रेडिट करूंगा। बेटे बहुत सिंपल है, हम कई बार दो अकाउंट्स के मिक्सचर से भी काम कर लेते हैं। आइए जी, आइए, मैंने इसको भी लिख दिया गुड्स। बेटे वस्तु है, वस्तु है तो थिंग है, थिंग है तो रियल अकाउंट है, जा रही है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बेटे बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से बनाया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सो गुड्स सेल्स में जाएगा, विल बी क्रेडिटेड। ठीक है जी। एंड बबली इज अ पर्सन। इफ इट इज अ पर्सन, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। एंड व्हेन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, बबली इज गेटिंग समथिंग, रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। सो पर्सनल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल। एंड डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। सो बबली विल बी डेबिटेड एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, एंड गुड्स और सेल्स विल बी क्रेडिटेड एज पर रियल अकाउंट रूल। बेटे इस तरह से मैंने आपको आज तीनों मेथड्स बता दिए। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10th में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनको पहले मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन से कराया था। मैं जान के वही पुराने क्वेश्चंस एक एक बात कराऊंगा, जिससे आपको समझ आए कि हम कोई भी मेथड यूज करें एंट्री वही बनेगी, हमारे पास सोचने का तरीका अलग अलग है। और मैं तो कहता हूं अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी नहीं समझ आया, मान लेते हैं आज का मेथड भी समझ नहीं आया, तो बेटे पहला मेथड जो लेन देन वाला मेथड था जिसमें चार सिचुएशन थी वो तो समझ आ गया होगा, आप आराम से पास कर सकते हैं। मैं आने वाले लेक्चर्स में वही क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो बेटे ट्रेडिशनल अकाउंट मैंने इंट्रोडक्शन